आइए आज एक नए शब्द ऊट का प्रयोग ऊट के साथ क्रिया के पहले रूप का प्रयोग करना सीखते हैं। तो किन किन जगहों में किस प्रकार से करेंगे, देखो एक प्रकार तो दो वाक्यांश से बना हुआ यदि कोई वाक्य है और उसका पहला जो वाक्यांश है वो भूतकाल है, तो उस वाक्य में हमने विल के जगह वुड का यूज करना है। दूसरा, अधिक सभ्यता को प्रदर्शित करने के लिए या नम्रता को प्रदर्शित करने के लिए हमको विल के जगह वुड का प्रयोग करना है। साथ साथ अक्सर जो है होने वाली जो क्रिया जो भूतकाल में है उसको प्रदर्शित करने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए हमने वुड का प्रयोग करना है, और साथ ही साथ संभावना जाहिर करने के लिए वुड का प्रयोग करना है। तो मेरे साथ बने रहिए, इन सारी परिस्थितियों में किस प्रकार से वुड का प्रयोग करेंगे वो भी क्रिया के पहले रूप के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की। देखिए ये वाक्य लेना हमने, मुझे मालूम था वह जीतेगा, तो ये दो वाक्यांश बना है, मुझे मालूम था और वह जीतेगा। ये उस समय की बात है जब कोई दो प्रतिद्वंदी टीम ने कोई मैच खेला और मैच खेलने के बाद एक टीम विजयी हुई, तो फिर आपस में जब चर्चा करते हैं तो इस प्रकार की बातें आती हैं। तो एक कह रहा है कि मुझे मालूम था वह जीतेगा, जब यही बात हम छत्तीसगढ़ी में बोले मैं जानत रहे आ जानत रहे वह जीत ही गई थी, मतलब वो टीम जीत ही करेगी इन इंग्लिश। और यही बात जब अंग्रेजी में बोले तो मुझे मालूम था आई न्यू, ये हो गया पास्ट टेंस का। और क्या मालूम था, ही वुड विन, वह जीतेगा। अब जीतेगा में हमको विल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस प्रकार से दो वाक्यांश होते हैं तो हम विल के जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, वुड इस्तेमाल करते हैं। ओके, समझ में आ रही है। देखिए बात, ये हो गया हमारा पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस का ये हमारा हो गया पहला भाग, और दूसरा भाग में हमने क्या किया, ये वुड का यूज किया। ओके, क्लियर है। चलिए और आगे उदाहरण से समझते हैं इसको बहुत ही आनंद से। देखिए बहुत ही सरल हमने उदाहरण लिया है, अब वही बात दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है, अच्छा तो पता नहीं से वो जीती करके। देखो यही बात हो जाता है हिंदी में जब कहें तुझे मालूम था वह जीतेगा, और छत्तीसगढ़ी में जाना रहे वह जीती करके, और अंग्रेजी में यही बात कहें तो यू न्यू ही वुड विन। तो इस प्रकार से हमने ये सब्जेक्ट का बदल कर जो है हम और बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो इसने जो हमने पहला जो सीख रहे हैं उसमें हमने क्या ध्यान देना है, ये वुड के साथ ये क्रिया का पहला रूप ही इस्तेमाल में आएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया आपको। अब हम इसी में से जो दूसरा हमने जो कहा था कि किसके रूप में, अधिक सभ्य के रूप में, तो देखते हैं हम उदाहरण से समझते हैं। ओके, तो देखिए ये हमने अगला, जैसे कि कोई काम कर रहे हैं उसमें सहयोग मांग रहे हैं, उस अवस्था में हम जो ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो इसमें नम्रता पूर्वक कैसे, तो देखिए क्या चादरों को तह करने में मेरा मदद करोगे, और इसी को हम छत्तीसगढ़ी में बात कहें तो चद्दरला घिरियाय मा मोर संग देबे का, चद्दरला घिरियाय मा मोर संग देबे का। और यही बात जब हम अंग्रेजी में कहें तो वही हो जाएगा, वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी टू फोल्ड अप द सीट्स। समझ आ रही है ना बात, अगला उदाहरण से समझते हैं। देखिए कितना प्यारा वाक्य हमने चयन किया है, क्या बाहर जाते समय दरवाजा बंद करोगे, हिंदी में। अब देखिए इसी को हम छत्तीसगढ़ी में कहते, बाहर जाबे ता फैरकला उधा देबे का, बाहर जाबे ता फैरकला उधा देबे का। और यही बात जब अंग्रेजी में कहें वुड यू, इसमें प्लीज जोड़ भी सकते हैं, नहीं जोड़ेंगे तो भी चलेगा क्योंकि वुड लगा है तो ये नम्रता को प्रदर्शित करता है। वुड यू क्लोज द डोर एज यू गो आउट, वुड यू क्लोज द डोर एज यू गो आउट। ओके, और इस प्रकार से हम जो है इनको दरवाजा बंद करना, खिड़की बंद करना, ये कई प्रकार के जो है क्रियाओं को हम यहाँ पर एड करके हम इस वाक्य को अपने वोकैबुलरी को और बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा अधिक सभ्यता पूर्वक कैसे हम वुड का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमारे बातों में पोलाइटनेस आ जाती है, सभ्यता आ जाती है। ओके, अगला सीखते हैं।
तो अब यहाँ पर हम विल के अर्थ में वुड का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, वाक्य हमने लिया है बड़ा प्यारा वाक्य लिया हमने, मुझे मुंबई में रहना अच्छा या बहुत अच्छा लगता है। और यही जब हम छत्तीसगढ़ी में कहे था मतलब बंबई में रही बड़ सुघर लगी, मानो कोई आपको ऑफर कर रहा हो वहां रहने के लिए, ऐसी कंडीशन बन रही है। तो वो अपने उत्सुकता को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो और अंग्रेजी में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आई वुड लव, ओके आई वुड लव टू लिव इन मुंबई। इसी चीज को हम अपने गांव के लिए कह सकते हैं, आई वुड लव टू लिव इन, आपका जो गांव है उस गांव का नाम ले लीजिए, है ना। तो आपका कस्बा में रहते हैं कस्बे का नाम लीजिए, शहर में रहते हैं शहर का नाम लीजिए। तो इस प्रकार से ये चीजें बदल जाएंगी, हमारा जो नाउन है वो बदल जाएगा और ये हमको बोलने में भी अच्छा लगेगा और हमको जल्दी से समझ में भी आएगा। चलिए और एक दो उदाहरण देख लेते हैं, आप समझते हैं, ठीक है। देखिए एक और हमने बड़ा प्यारा वाक्य लिया है कि कोई व्यक्ति जो है कोई अपने जॉब से परेशान है और किसी अपने मित्र से पूछ रहा हो कि मैं पूछने से, तो फिर अपना मित्र जो बोलता है कि मैं तुम्हें यह नौकरी छोड़ने की सलाह दूंगा। हो सकता है परिस्थितियां विपरीत हो उनके, तो वो कैसे सलाह दे रहा है कि मैं तुम्हें यह नौकरी छोड़ने की सलाह दूंगा। और जब बात यही हम छत्तीसगढ़ी में बोले तो मैं तुला ये चाकरी ला छोड़े बर कहूं, मैं तुला ये चाकरी ला छोड़े बर कहूं, है ना। और यही चीज जब हम अंग्रेजी में देखें तो कि आई वुड एडवाइस टू यू टू लीव दिस जॉब, कि मैं तुला ये चाकरी ला छोड़े बर कहूं, आई वुड एडवाइस टू यू टू लीव दिस जॉब, ओके। तो इसके साथ साथ भूतकाल के, अब इसके बाद देखते हैं भूतकाल की क्रिया। देखिए कितना मजेदार हमने वाक्य लिया है और ये भूतकाल की क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए कि नहीं हो रहा था या नहीं था, ऐसे जब वाक्य आ रहे हैं तो उसमें देखिए वह अपनी मोटरसाइकिल को गाली दे रहा था क्योंकि वह चालू नहीं हो रहा था, ठीक है। अब देखें यही छत्तीसगढ़ी में जब हम कहें कि वो हर अपन फटफटी लगर यात्री से काबर की ओहर चालू नहीं होतरी से। अब यही चीज जब हम अंग्रेजी में देखें ही वाज सीविंग ही हर मोटरसाइकिल बिकॉज इट वुड नॉट स्टार्ट। अब यहाँ पर हीज और हर दोनों इसलिए लगा दिया हूँ क्योंकि महिलाएं बात कर रही है, तो उस अवस्था में भाई मोटरसाइकिल आजकल स्कूटी वालों को ही चलाते हैं, है ना। तो वो आज तो महिलाएं पुरुषों के कंधों से कंधा मिला के चल रही हैं, तो इसलिए यहाँ दोनों चीज मैंने आपको उपयोग करके बता दिया है। तो ही वाज सिग्नलिंग हीज और हर मोटरसाइकिल बिकॉज इट वुड नॉट स्टार्ट, ओके। तो कितना मजेदार चीज है ये। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। और नए आप मेरे YouTube को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइल।